इस वक्त हम मुकाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर हैं और हमारी खुश नसीबी है कि इस वक्त आली जनाब मौलाना मुस्लिम मुद्रब अलवी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो चाहते हैं कि इसके बारे में कुछ बताएं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जिस जगह जिस मुकाम पे हम सब खड़े हैं, ये वो इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम से मंसूब है। जब इमाम सिफिन के मैदान से वापस आए तो यहाँ क़याम किया, यहाँ ठहरे, और ये मुकाम मंसूब है इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम से। ऐनुल हसन के नाम से मशहूर है। और ये जो पानी जो देख रहे हैं आप, यहाँ से लोग पानी लेकर जाते हैं और शिफा पाते हैं, चाहे वो कैंसर वाला हो, कोई भी बीमारी हो, यहाँ से पानी लेकर लोग जाते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, वो पानी पीने के बाद वो लोग शिफा पा जाते हैं। और ये मंसूब है ऐनुल हसन से। दूसरा चश्मा है, उसके बारे में दूसरा चश्मा भी है, उसके लिए बताते हैं लोग। एक तो कैंसर के लिए बताते हैं और एक उसके लिए किडनी के लिए जी। और ये तो कैंसर वाला बताते हैं लोग, और वो वाला, और ये मुकाम है, जगह है, हम लोग आए हुए हैं और ये लोग आते हैं, और यहाँ पर ये भी आए हैं ज़ियारत करने के लिए ऐनुल हसन में। और हम लोग भी हिंदुस्तान से आए हैं, हम लोग की खुश नसीबी है कि खुदा का शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, जितना शुक्र करें कि जिस मुकाम पर जिस जगह इमाम हसन मुश्तबा क़याम किए और ठोकर मारा, चश्मा जारी होगा, उस पानी को हम लोग पी रहे हैं शिफा के लिए।